हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेमेडी लेकर आई हूँ जिसके इस्तेमाल से आप अपने स्किन पर से कालापन दूर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस नुस्खे को आपको केवल 3 ही दिन इस्तेमाल करना है और आपको अपनी स्किन पर गोरापन नजर आ जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, हम आपको दिखाएंगे कि आप कैसे 3 ही दिन में अपने स्किन पर फेयर एंड ग्लो पा सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी चाहते हैं कि हमारा चेहरा गोरा दिखे और चमकदार रहे। अगर हमारा चेहरा चमकदार और साफ रहता है तो कोई भी रंग हमारे चेहरे पर अच्छा लगता है। चेहरे पर डलनेस और रूखापन किसी को भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए आज मैं आपके लिए एक ऐसा नुस्खा लेकर आई हूँ जिसके इस्तेमाल से आप अपने स्किन में बहुत अच्छा इंस्टेंट ग्लो पा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये नुस्खा इतना कारगर नुस्खा है आपके फेस को गोरा बनाने के लिए कि आप अपने सपने में भी नहीं सोच सकते। बहुत ही आसान रेमेडी है, आप इसको आसानी से यूज और इस्तेमाल भी कर सकते हैं और आराम से बना भी सकते हैं। फ्रेंड्स, हम सब अपनी स्किन को बेदाग और चमकदार चाहते हैं और इसके लिए हम नई नई तरह की चीजों को सर्च करते रहते हैं कि कौन सी चीज हमारी स्किन को फेयर एंड ग्लो बना सकती है। तो चलिए, आज इसी तरीके का एक नुस्खा मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए इसको बनाने स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और इस बेल आइकन को भी दबा दें जिससे कोई वीडियो हमारी मिस ना कर पाए। तो चलिए इसको बनाते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें इसमें चाहिए 1 चम्मच चावल का आटा और 2 चम्मच चाहिए हमें इसमें कच्चा दूध, 1 चम्मच चाहिए हमें इसमें बेसन और 1 चम्मच चाहिए इसमें लेमन जूस। तो हमने इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स डाल लिए हैं, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी क्रीम की तरह ये हमारा नुस्खा तैयार है। बिल्कुल क्रीम तरह ये नुस्खा हमारा लग रहा है। इसके रिजल्ट्स भी जो होंगे वो इसी तरह के आपको चौंकाने वाले होंगे। फ्रेंड्स, चावल का आटा जो होता है वो हमारी स्किन से कालेपन को हटाने में बहुत ज्यादा मदद करता है और साथ ही सनटैन को भी रिमूव करता है। मैंने इसके अंदर बेसन भी ऐड किया है। बेसन का नियमित प्रयोग हमारी सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। ये टेनिंग जैसी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए बेसन से चेहरे को धोना बहुत फायदेमंद होता है। अगर आप चेहरे को बेसन से धोते हैं तो मुहासे भी सूखने लगते हैं और चेहरा साफ होने लगता है। और इसके अंदर लेमन भी ऐड है क्योंकि फ्रेंड्स, लेमन में विरंजक गुण के कारण आपकी त्वचा इससे गोरी हो जाती है। नींबू एक अच्छा एंटीसेप्टिक है। नींबू विटामिन सी से लैस और सिट्रस से भरा होता है जो आपकी त्वचा को निखार देता है। नींबू का रस हमारे शरीर की गंदगी निकालने में सहायता करता है। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा नुस्खा है, प्लीज आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। आप अपनी स्किन पर इसे लगाने के बाद आप अपनी स्किन पर निरंतर बदलाव देखेंगे। आपको इसे वीक में 3 से 4 बार यूज करना है। आप जब इसे यूज करेंगे तो आपको नाइट में ही इसको यूज करना है। सोने से पहले आपको इसे यूज करना है। 15 मिनट तक आपको इसे लगे रहने देना है। 5 मिनट तक आपको अपने फेस पर अच्छे से स्क्रब करना है, हल्के हल्के हाथों से राउंड शेप में। उसके बाद आप अपने फेस को वॉश कर लेंगे। उसके बाद आपको दोबारा से इसको अपने फेस पर मास्क की तरह अप्लाई करना है। उसके बाद आप अपने फेस पर इसे 15 मिनट के लिए लगे रहने देंगे। अगर आपकी स्किन ज्यादा सेंसिटिव है तो आप इसके अंदर 1/2 चम्मच नींबू का रस ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी रेमेडी। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज आप से लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए एंड सबसे ज्यादा आपसे शेयर कीजिए। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे कोई वीडियो आप हमारी मिस ना कर पाए। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।